नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मौलिक नैतिक प्रत्ययों के स्वरूप पर विचार करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ। यह इस श्रृंखला का पांचवा व्याख्यान। इसमें हम लोग कर्तव्य और दायित्व के द्वंद्व पर विचार करेंगे। क्या कर्तव्य के साथ कोई बाध्यता लगी होती है? क्या नैतिक कर्तव्य बाध्यकारी भी होते हैं? अब हम व्याख्यान की तरफ बढ़ते हैं। मानव कर्मों का संपादन करता है, अधिकतर कार्य वह अपनी रुचि के अनुसार करता है। जो कार्य अपनी रुचि के अनुसार करता है उसके संबंध में नैतिकता का प्रश्न नहीं होता है। इन्हें मानव कार्य, क्रिया या कर्म कहा जाता है। परंतु जब व्यक्ति नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है तो कुछ कार्य उचित और कुछ कार्य अनुचित प्रतीत होने लगते हैं। नैतिक नियमों के आलोक में जो कार्य उचित प्रतीत होता है वह कर्तव्य है और जो कार्य अनुचित प्रतीत होता है वह अकर्तव्य है। नैतिक नियमों को स्वीकार कर उसके अनुसार कर्तव्य का पालन करने पर अपने रुचियों को नियंत्रित करना पड़ता है और उचित कर्म, जिसे कर्तव्य कहा जाता है, पालन करना पड़ता है और अकर्तव्य को छोड़ना पड़ता है। जैसे प्रकृति के साथ रहने पर प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर कार्य करना पड़ता है, समाज में रहने पर सामाजिक नियमों से होकर बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, राज्य का नागरिक होने पर राज्य के नियमों की बाध्यता के अनुसार कार्य करना पड़ता है, वैसे ही नैतिक नियमों को स्वीकार करने पर नैतिक बाध्यता का पालन करना पड़ता है। अर्थात नैतिक बाध्यता उचित कार्य कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता है। जब हम किसी कर्म को उचित समझते हैं तब उसे करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जब हम किसी कार्य को अनुचित समझते हैं तो उसका त्याग करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। सत असत या उचित का पालन कर्तव्य है और असत का पालन अकर्तव्य। कर्तव्य नैतिक बाध्यता है। नैतिक नियमों का नियमित रूप से पालन ही कर्तव्य है। कर्तव्य सद्गुणों को जन्म देता है। कर्तव्य मनुष्य के अंतर्गत वासना और विवेक के मध्य होने वाले द्वंद्व का सूचक है। वासना मनुष्य को उचित अनुचित का विचार छोड़कर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। विवेक मनुष्य को उचित अनुचित का अंतर बताता है। यह अनुचित कार्य करने और अनुचित कर्म यह उचित कार्य करने और अनुचित कर्मों का त्याग करने की सलाह देता है। जब व्यक्ति के अंदर वासना और विवेक का द्वंद्व छिड़ता है तब उचित कर्म करने की बाध्यता की अनुभूति होती है। यह उचित कर्म नियम के अनुकूल है, यही कर्तव्य है। इस प्रकार कर्तव्य नैतिकता की मूल अवधारणा है। कांट के अनुसार कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य और अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य। पूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य वैसे कर्तव्यों को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने इच्छा या विवेक से नहीं बल्कि बाध्यता में कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्यताएं होती हैं, समाज की बाध्यताएं होती हैं, प्रकृति की बाध्यताएं होती हैं या अन्य प्रकार की बाध्यताएं होती हैं, परंतु जब वह इच्छा इन्हीं बाध्यताओं के बीच स्वतंत्र इच्छा से कार्य करता है तब उसे अपूर्ण बाध्यता मूलक कर्तव्य की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ दार्शनिक निश्चित कर्तव्य और अनिश्चित कर्तव्य दो प्रकार के कर्तव्य बताते हैं। बेन ने भी कर्तव्य को आवश्यक कर्तव्य अर्थात ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज और वैकल्पिक ड्यूटीज के बारे में
वर्णन किया है। वेद के अनुसार ऑब्लिगेटरी या बाध्यकारी आवश्यक कर्तव्य वैसे कर्तव्य हैं जिनको हर हालत में करना जरूरी है, तो वैसे कर्म पर नैतिकता का प्रश्न नहीं उठता है। वैकल्पिक कर्तव्यों में विवेक और इच्छा स्वातंत्र्य रहता है। ऐसे कर्तव्यों को ही नैतिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। अन्य दार्शनिक अलग प्रकार से कर्तव्य के दो प्रकार बताते हैं, एक विशेष कर्तव्य और दूसरा सामान्य कर्तव्य। जब व्यक्ति व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करता है तो उस वैसे कर्तव्य को विशेष कर्तव्य कहा जाता है, और जब व्यक्ति सामान्य को ध्यान परोपकार को ध्यान में रखकर सबके लिए ध्यान में रखकर कार्य करता है तो वैसे कर्तव्य को सामान्य कर्तव्य या यूनिवर्सल ड्यूटी कहा जाता है। कुछ एक विचारक कर्तव्य के अन्य दो प्रकार के प्राकृतिक कर्तव्य और कृत्रिम कर्तव्य बताते हैं। प्राकृतिक कर्तव्य वैसे कर्तव्य को कहा जाता है जिनमें इच्छा स्वतंत्र का अभाव होता है, वो यंत्रवत संपादित होते हैं। कृत्रिम कर्तव्य वैसे कर्तव्यों को कहा जाता है जो व्यक्ति अपने स्वतंत्र निर्णय से करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नीतिशास्त्र में कर्तव्य और दायित्व का विशद विवेचन किया गया है। धन्यवाद।